हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नूर्स किचन। आज हम बनाएंगे शादियों में मिलने वाला पनीर ग्रेवी। उसके लिए यहाँ पे मैंने 10 से 12 काजू को अच्छे से बॉईल कर लिया है। उसके बाद हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। फिर यहाँ पर मैंने दोबारा से पानी लिया है, उसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 3 से 4 हरी मिर्चें। इन सभी चीज़ों को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे धीमी आंच में, और ये जब सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर तब हम इसकी फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। टमाटर अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। अब टमाटर जब ठंडे हो जाएंगे तो इसकी प्यूरी बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। तेल गरम होने पर यहाँ पर मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। जब ये चीज़ें अच्छे से सॉर्ट हो जाएंगी तब हम इसमें जो प्याज कटी हुई थी, यहाँ पे मैंने 2 बड़ी प्याजों को बारीक चॉप कर लिया था, अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे। ये थोड़ा सा जब कलर चेंज कर लेंगी तो जो हमने प्यूरी बना के रखी थी टोमेटो प्यूरी, अब हम इसमें वो ऐड करेंगे और इसको पानी रिड्यूस होने तक अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1/2 टीस्पून हल्दी मिर्च, 1/2 टीस्पून मिर्च, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से भुनाएंगे। जितना अच्छा भुनेगा उतना अच्छा ग्रेवी बनकर रेडी होगा। देखिए पानी अच्छा खासा रिड्यूस हो चुका है, ऑयल भी सरफेस पे आना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हमने जो काजू का पेस्ट बनाया था इसमें वो ऐड करेंगे। काजू का पेस्ट ऐड करते ही ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें रोस्टेड कसूरी मेथी ये ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, एक अच्छा मिक्स देंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 टीस्पून मक्खन लिया है और उसमें थोड़ी सी हल्दी पिंच या 2 पिंच और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और हरा धनिया। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये थोड़ा सा बटर डिजोल्व हो जाएगा उसके बाद जो हमने पनीर के क्यूब्स कट करे हुए हैं उन सभी चीज़ों को इसमें डाल देंगे और अच्छे से सारे मसाले को पनीर में कोट कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ही इसे फ्राई करेंगे। देखिए इस तरीके से जब सारा मसाला इस पर कोट हो जाएगा तो जो ग्रेवी हमने रेडी करी हुई थी इसके ऊपर ऐड कर देंगे उसे और एक अच्छा सा मिक्स कर देंगे ताकि पनीर और ग्रेवी आपस में मिक्स हो जाएं। अब थोड़ा सा हम क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करने से तो फ्लेवर और इनहेंस हो जाता है। 1 से 2 मिनट और पकाएंगे, जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो इसे सर्व कर देंगे। इस तरीके से पनीर ग्रेवी बनकर रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।